हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, जहाँ भी हो गए खुश हो गए। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ये कोई ब्लॉग नहीं है। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कुछ एक वीडियोस शेयर किए थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं। तो इसका राज क्या है, क्या इसका चक्कर है, क्यों ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसका मेन सीक्रेट क्या है, तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी मेन सीक्रेट इसका क्या है। तो बने रहना है आपको, ब्लॉग को पूरा देखना है, बीच में ब्लॉग को स्किप नहीं करना है। और एक बात और दोस्तों, कि ये जो वीडियो है इसको कभी भी अपने माइंड में नहीं लेना है, कि ये मत सोचना कि भाई मैं किसी को ऊंचा दिखा रहा हूँ या किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, जस्ट ए इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एज ए इसको इन्फॉर्मेशन ही रखे और नेगेटिव वे पे मत लिया जाए। सो गाइज, यहाँ की डेवलपमेंट का खास राज ये है कि यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह लग रही है। तो वियतनाम उनको क्या है, अपनी ज़मीन को किराए में दे रहा है और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और वियतनाम को वहाँ से टैक्स भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, पैसा आ रहा है। तो उसी चीज़ से ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने देश की। जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगा रखी है, तो वो यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, उससे उनको भी प्रॉफिट हो रहा है और वियतनाम को भी प्रॉफिट हो रहा है। एक नुकसान ज़रूर होता है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है पर्यावरण को फ़र्क पड़ता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें इनको प्रॉफिट होता है। तो वो एक तो इनके पास वो साधन है। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे चाइना और कोरिया और जापान बहुत कम है, लेकिन चाइना और कोरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर से लेकर छोटे इन्वेस्टर तक, मतलब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी अगर हम बाहर भी जाएंगे तो ले चलूँगा आपको, अभी मैं बाहर सड़कों में दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर उनने एक अपना ही अलग से ही मार्केट जमा लिया है यहाँ पर। तो बाहर जाएंगे, उनने दुकानें अपनी खोल रखी है, अपनी चीज़ को बेच रहे हो यहाँ पे, अगर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह तो सारे चाइनीज़ कोरियंस लोगों ने यहाँ पर खोल रखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके पास, ये बाहर से जितना भी पैसा आ रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसी तरीके से वही एक ज़रिया है इनके पास जिससे कि ये डेवलपमेंट इतनी जल्दी कर रहे हैं। तो बाहर का पैसा इनके पास काफ़ी आ रहा है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली मैं कैसे यहाँ पर कोरियंस और चाइनीज़ लोग अपना कारोबार जमा के बैठे हुए हैं। बाकी इंडस्ट्री वगैरह एरिया में आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोविड का चक्कर है, तो सिटी हमारी पूरी लॉक्ड है, इंडस्ट्री सिटी से बाहर है तो उधर नहीं जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको इंडस्ट्री एरिया में भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रखी है यहाँ पर, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी लोगों के लिए अभी कोरोना है, लेकिन इंडस्ट्री में काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, वहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर सारी है, तो कंपनी में ही लोग रहते हैं और अपना आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे बिजनेस वाले थे वो घर में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर तो सब कुछ खुल ही गया है यहाँ पर हमारे सिटी में, सिर्फ ये कि फिटनेस वगैरह अभी बंद है और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह घर के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ के नहीं पी सकते कॉफ़ी वगैरह, तो ऑलमोस्ट खोले गए हैं, सिर्फ फिटनेस क्लोज है। तो हम जैसे आदमी अभी बैठे हुए आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं डेली, तो यही है। चलो ले चलते हैं, दिखाते हैं आपसे बाहर का नज़ारा। सो गाइस, हम करते हैं यहाँ से शुरू। ये है कोरियन सोसाइटी, यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये रेस्टोरेंट है, ये कोरियन लोगों ने खोला हुआ है अपना, और ये भी रेस्टोरेंट है, देख रहे होगे यहाँ पर बोर्ड वगैरह कोरियन और वियतनामी दोनों लैंग्वेज में लगे हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट में देखो यहाँ पर कोरियन में ही लिखा हुआ है। तो ये है इधर कोरियन सोसाइटी। तो यही मेन राज है यहाँ की तरक्की का, कि कोरियन लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, इसमें भी 80% लगा लो कोरियन इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कोरियन इस चीज़ को बनवा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग तो कोरियन शादी भी किए वियतनामी से। तो अब यहाँ से शुरू होता है चाइनीज़ सोसाइटी। यहाँ पर देखो ये चाइना के सारे शॉप्स वगैरह है, मार्ट्स है, तो ये चाइना की सोसाइटीज़ है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, बड़े बड़े सुपरमार्केट है, तो सारा चाइनीज़ सामान, सारे चाइनीज़ भरे हुए हैं यहाँ पे।
तो काफ़ी लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना वाले भी यहाँ पे देख रहे हो आप, आर पार दोनों जगह में चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी होटल्स वगैरह भी है और बन भी रहे हैं। तो यहाँ पर मोमोज़ भी होते हैं गाइस, यहाँ पर देख रहे हो ये चाइनीज़ मोमोज़ बहुत फेमस है, बड़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। अभी तो कोरोना है तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, घर शिप कर देते हैं ये। ये एक रेस्टोरेंट है देख लो, इतना लंबा रेस्टोरेंट है यहाँ तक, और साथ में सुपरमार्केट भी। तो यही है दोस्तों मैन यहाँ की तरक्की का राज। तो देख रहे हैं आप, चाइना और कोरिया ने पूरी अपनी यहाँ पर दुकानें बढ़िया से जमा रखी है और साथ में इंडस्ट्री भी बहुत लगा रखी है उन लोगों ने यहाँ पे अपनी। तो बहुत पैसा आ रहा है यहाँ पर बाहर से और गवर्नमेंट भी इसका पूरा फायदा उठा रही है। जो टैक्स का पैसा वगैरह आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो अच्छे से रोड्स वगैरह बना रहे हैं। तो रोड्स वगैरह आपने देख ही लिए होंगे, साफ़ सुथरे यहाँ पर रोड बने हुए हैं। बाकी चीज़ की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो यही मेन कारण है। और लोगों के जो घर, बिल्डिंगें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, तो ये इसीलिए बन रही है क्योंकि इन लोगों के पास पैसा आ रहा है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताना था कि आप कहते हैं कि भाई यहाँ के रोड्स अच्छे हैं, गांव अच्छे हैं, बहुत डेवलप्ड है, तो डेवलपमेंट का कारण यही है कि विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है तो उसका ये यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही मेन कारण है। और तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसे लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है अगर अभी तक नहीं किया है आपने, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, भूलना मत उसको, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपको घंटी बज जाएंगी जब आप उसको बजा के रखेंगे अभी, तो इसीलिए उसको भी प्रेस करके रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।